नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। हमारे देश में बेटियों को नज़रें झुकाकर किस तरीके से बात की जाती है वो सिखाया जाता है। बड़ों के आगे आपने ज़ुबान नहीं चलानी, किसी के आगे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, ये ज़रूर सिखाया जाता है। लेकिन हमारे देश में बेटियों को लड़ना नहीं सिखाया जाता। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगी कि आज जिस परिवार में हम मौजूद हैं, करनाल की महज एक 10 साल की बेटी मेरे सामने मौजूद है जिसके साथ क्या कुछ हुआ वो अपनी ज़ुबानी बताने को तैयार है। बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि माता पिता को जब पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ किसी भी तरीके की कोई गलत हरकत हुई है, किसी भी इंसान ने छेड़छाड़ की है, और अगर वो छेड़छाड़ करने वाला इंसान उन्हीं के घर का हुआ, उन्हीं के परिवार का सदस्य हुआ, तो वो अपनी बेटी को अंदर कमरे में ले जाकर ये बात कहते हैं कि बेटा तूने किसी को कुछ कहना नहीं है क्योंकि इसमें हमारे परिवार की बेइज्जती होने वाली है, हमारी बेइज्जती इस परिवार की हो जाएगी अगर तू बेटा कुछ भी कहेगी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 साल की बेटी, 10 साल की बच्ची जो कि करनाल की बच्ची है, आज सब कुछ बताएगी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो FIR हमने पढ़ी है पोक्सो में, ये मामला पूरा का पूरा दर्ज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, उन लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्यों गिरफ्तार नहीं किया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये जो 10 साल की बच्ची यहां पर मेरे साथ बैठी हुई है, इस बच्ची का और इनकी माँ का यह आरोप है कि इनके साथ जो इनके यानी कि इनके रिश्ते में लगने वाले दादा हैं, इनके रिश्ते में लगने वाले चाचा हैं, उन्होंने शराब पीकर इनको मारा है, पीटा है, धमकाया है, डराया है और इनके साथ गलत हरकत की है, गाली गलौज की है। लेकिन ये बेटी क्या कुछ कहती है इस पूरे मामले में वो मैं अब इसी बच्ची से जानूंगी। बिना इस बच्ची का नाम बताए, बिना ये बताए कि हम किस एरिया में मौजूद हैं, मैं पूरी बात करूंगी। क्या कुछ बताना चाहोगे, ये किस समय की बात है, क्या हुआ था? क्योंकि आरोप ये है कि आपके रिश्ते में लगने वाले दादा और आपके रिश्ते में लगने वाले चाचा ने ये सब कुछ किया। हाँ जी। क्या, कौन है वो आपके चाचा लगते हैं? हाँ जी, और एक दादू है मेरे। कब की बात है ये, क्या नाम है उनके? दादू का नाम है जगदीश और चाचू का नाम है साहिल। साहिल, ये कहाँ रहते हैं लोग? पानीपत। पानीपत में रहते हैं। तो यहाँ ये किनका घर है जहाँ आप अभी हो? ये हमारा घर है। नहीं मतलब किन के पास रह रहे हो? हम नानी नाना के पास रहते हैं। नानी नाना के पास रहते हो, तो पापा से नहीं बनती है शायद मम्मी की, यही बात है? हाँ। तो वो भी मारते पीटते हैं आपको पापा? हाँ। चलिए अब मुझे ये बताइए कि पूरी बात क्या हुई थी, कैसे यहाँ पर वो कैसे आए और क्या हुआ? हमारे घर प्लम्बर का काम था। तो वो प्लम्बर का काम करते हैं? हाँ जी। वो फिर हमारे घर आए। कौन कौन आए? दादू और चाचू। दादू और चाचू आए? हाँ जी। तो उन्होंने फिर ना मुझे छेड़ा। कैसे? छाती पे हाथ लगाया, पट पे हाथ लगाया और जोर से बाइट की और किस की। तो मारा पीटा भी है? हाँ जी। उन्होंने शराब भी पी हुई थी? हाँ जी। बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। तो आप अकेले थे उस समय पर? हाँ जी। वो हमारे घर गीजर उतारने आए थे, तो उन्होंने इसी घर में आए थे कहीं और आए थे? दूसरे घर में जी। तो वहाँ पर ऐसी हरकत की थी उन्होंने फिर। तो फिर ऐसा किया था उन्होंने। फिर क्या हुआ? फिर आपने मम्मी को बताया आके? नहीं, थोड़े दिनों बाद बताया फिर मैंने अपनी मम्मा को। तो अब तक उन दोनों में से किसी की भी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि FIR तो दर्ज नहीं है? नहीं हुई। CWC में भी क्योंकि आपके मम्मी से जो हमारी बात हुई आपको लेकर जाया गया, वहाँ पर काउंसलिंग वगैरह भी की गई आपकी? हाँ जी। बातचीत हुई वहाँ पर? हाँ जी। कितने काउंसलर थे वहाँ पर जिन्होंने आपसे बात की? 7-8 जने थे। 7-8 जने? हाँ जी। तो एक साथ की थी सबने या अलग अलग की थी 7-8 ने? एक साथ सारे कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे होंगे, आपने सभी के जवाब दिए? हाँ जी। सब कुछ बताया था आपने वहाँ? हाँ जी। फिर भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या चाहते हैं आप? गिरफ्तारी और उनके ऊपर पर्चा दर्ज। तो आपको तब पता लग गया था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या हो सकता है मेरे साथ बहुत कुछ गलत? हाँ जी। तो इनकी माँ भी हैं, 10 साल की बच्ची हैं, और आप देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत बार मामले दबा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्ची को बिठाया गया है, बच्ची से बुलवाया गया है, बच्ची ताकि सब कुछ बता पाए कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है, और जो भी मुजरिम है, जो भी आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा भी जाए, गिरफ्तारी भी हो और उनको सज़ा भी दिलाई जा सके। हमारे साथ 10 साल की बच्ची की माँ यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, कब आपको ये बात पता लगी और आपने तो बड़े भरोसे के साथ अपने परिवार के सदस्यों को ही काम के लिए बुलाया था?
हाँ जी मैम, मैंने तो भरोसे के साथ ही बुलाया था, पर मुझे नहीं था पता कि वो ऐसा काम कर जाएंगे, तो इसलिए मुझे तो बाद में बेटी ने बताया, 15-20 दिन बाद ही। उसके बाद मैंने अपने ससुराल से ही बातचीत की, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मेरे ससुर ने निकाला। कौन से महीने की बात है ये सारी? ये मैम जनवरी की बात है। जनवरी की बात है, तो हाँ FIR कब दर्ज हुई है? FIR मैम मार्च में। मार्च में जाके? हाँ जी। तो आपने देर से आवाज़ अपनी उठाई थी या फिर क्या हुआ था? मैम मैंने तो अपने हस्बैंड से काफ़ी बारी इस भी बात करी, पर मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे प्रेशर में रहा, कहते अगर तू ऐसा करेगी तो मैं तेरे को छोड़ के डिवोर्स लेके चला जाऊँगा। अच्छा। तो मैंने कहा चलो आप सोल्यूशन तो निकालो, बच्चे के साथ गलत हुआ है, पर उन्होंने कोई बात नहीं मेरी माननी। ये पुलिस ने कोई कार्रवाई की? नहीं मैम, पुलिस ने भी नहीं, पुलिस हमें यही कहती है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। पुलिस ये कहती है? पुलिस ऐसा क्यों कह रही है? मैम ये तो हमें पता नहीं, पुलिस का कहीं ना कहीं तो कुछ रवैया है। रामनगर थाने का मामला? हाँ जी मैम, रामनगर थाने का। दो आरोपी हैं पूरे मामले? हाँ जी मैम, दो आरोपी हैं। अब तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं? नहीं मैम। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैम मैं तो चाहती हूँ इनको अरेस्ट किया जाए और हमें न्याय मिले। न्याय चाहते हैं आप? हाँ जी मैम। CWC में भी बच्ची को लेकर जाया गया था, बच्ची ने कहा कि 7 से 8 काउंसलर थी जिन्होंने मेरी काउंसलिंग की, काउंसलिंग के दौरान जो कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं उसी के तहत कार्रवाई की जाती है, तो कोई कार्रवाई नहीं है? नहीं मैम, पहले 2-3 बार ही काउंसलिंग हो चुकी है मेरी बेटी की, दोबारा से फिर कह रहे काउंसलिंग करी, दोबारा से काउंसलिंग जब हुई है 2-3 दिन पहले, उसमें 7 जने थे और बारी बारी मेरी बच्ची को अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो एडवोकेट है कपूर वो कुछ लिख नहीं रही थी, पूछ ही रही थी खाली मेरी बेटी से। उसके बाद उसने पता नहीं क्या लिखा क्या नहीं, मेरी बेटी से उसने साइन करवाए हैं, तो मेरी बेटी को बार बार एक ही टॉपिक पे रख रहे हैं कि इसको अनाथाश्रम में भेज दिया या अनाथालय में भेज दिया जाए, किस लिए? यही तो मैडम मुझे पूछना है। वो CWC ने क्या कहा है आपको? मेरी बेटी को बोला जा रहा है कि इसके माइंडली में माइंड में दिक्कत है। माइंड में दिक्कत है ये कहा? हाँ जी। तो है दिक्कत कुछ? नहीं मैम, आपने देख ही लिया मेरी बेटी से बात करके, अगर ऐसा हो तो मेरी बेटी कुछ बात ना कर सके किसी से, तो यही बोल रहे हैं CWC इसके माइंडली डिस्टर्ब है बेटी, इसे अनाथ आश्रम छोड़ दिया है। मुझे उन्होंने परसों ही बोला कि आप लिख के दे दीजिए, पर मैंने लिख के नहीं दिया, मैं अपनी बेटी को कहीं छोड़ना नहीं चाहती, अपने साथ रखना चाहती हूँ और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। पढ़ाई में ठीक ठाक है बेटी? हाँ जी मैम, इसके एग्जाम चल रहे हैं, स्कूल से पता कर सकते हैं। इनके सब कुछ ठीक है? हाँ जी मैम। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं मैम। तो आपको क्या कुछ बताया बच्ची ने, क्या हुआ था? बच्ची ने यही बताया कि मम्मा मुझे ऐसे ऐसे बाइट की उन्होंने, तो उसको मेरे को किस भी करा, मेरे को चेस्ट पे हाथ भी लगाया, कहती मेरे को बहुत पेन हुआ जब उन्होंने करा, तो उन्होंने ड्रिंक तो बहुत कर रखी थी हमारे घर में आए हुए थे जब, ड्रिंक के लिए तो मैंने भी बोला भाई ड्रिंक क्यों करके आए हो आप हमारे घर इतनी ज़्यादा, हमारे घर में और कोई ड्रिंक नहीं करते, मेरे फादर वगैरह ड्रिंक नहीं करते हैं, इसलिए। ये आपकी शायद दूसरी शादी है? हाँ जी मैम, मेरी सेकंड मैरिज है, जो इसके रियल फादर है उनकी डेथ हो चुकी है। डेथ हो चुकी है, दूसरी शादी? हाँ जी मैम। तो इसमें कोई मिलीभगत आपके पति के लिए? हाँ जी मेरे पति उनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, मुजरिमों को, यानी कि आपको सपोर्ट ना करके उन्हें सपोर्ट किया। हाँ जी मैम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गिरफ्तारी चाहते हैं? हाँ जी मैम मैं गिरफ्तारी। गिरफ्तारी की मांग है इन लोगों की, और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये देखिए कि प्रयास जो इन्होंने किए, चाहे पुलिस के पास ये गए, CWC के पास ये गए, कहीं से भी इनको संतुष्टि नहीं मिली, हर जगह से इनको यही कहा गया कि कोई बात नहीं, आपकी बेटी शायद मेंटली डिस्टर्ब है और शायद ये इस तरीके की बातें कर रही है, लेकिन आप समझिए कि एक 10 साल की बच्ची को क्या पता, अगर उसके साथ कुछ हुआ है तभी वो ये बातें कर रही है ना, तभी वो ये बातें कर रही है। ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं और अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि करनाल की बेटी है, 10 साल की बच्ची है, और अपने आप में सोचने वाली बात ये है कि 10 साल की बच्ची अगर करनाल में सुरक्षित नहीं है, हमारे देश में, हमारे हरियाणा में सुरक्षित नहीं है, 12 साल की बच्ची को लेकर ऐसी बातें निकल कर सामने आ जाती हैं कि कल्पना चावला में वो एडमिट इस वजह से करवाई गई क्योंकि उसके पेट में दर्द हुआ, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो ऐसे देश में बच्चियाँ कहां से सुरक्षित हैं वो आप खुद समझदार हैं। और क्राइम कहीं बाहर से शुरू नहीं होता, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि क्राइम घरों से शुरू होता है और यहां पर भी 10 साल की बच्ची के साथ क्राइम उसके घर से हुआ। घर से कैसे हुआ उसके ही आप देख सकते हैं। ये क्या आप है, ये क्या है आपके पास? मैम ये पुलिस की रिकॉर्डिंग है। हाँ तो वो बाहर खड़े हुए हैं, मैं एक बार सेफ हाउस तक जाके आती हूँ तो बात करूँ उनसे। हाँ
पॉक्सो एक्ट में ये मामला दर्ज किया गया है और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि FIR बकायदा दर्ज हो गई है लेकिन अब तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस पर भी कई सवालिया निशान खड़े हुए हैं कि आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है, क्योंकि ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारियां होती है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल के SP गंगाराम पुनिया से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो SP से भी दो बारी मिल चुकी हूँ, गंगाराम पुनिया से भी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई? SP गंगाराम पुनिया ने कहा क्या आपको? मैम उन्होंने यही बोला कि कार्रवाई चल रही है आपकी, IG पे भी मिलाई हूँ मैं इससे। IG सर ने बोला कि कार्रवाई होगी, 100% होगी, पर अभी तक कार्रवाई तो, ना होने के पीछे कोई कारण आपको लग रहा हो? मैम कुछ ना कुछ तो, या तो कोई पैसे की है इसमें ताकत, या कोई किसी की अप्रोच है, किसी की अप्रोच है ऐसा आपको लग रहा है? किसी की अप्रोच इनको लग रही है या पैसे की ताकत लग रही है? लेकिन अपने आप में बड़े ही शर्म की बात है कि अगर आज भी हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, जिस देश में हम सुरक्षित भारत की बात करते हैं, जहाँ ऐसे भारत देश की बात करते हैं जहां पर बेटियां बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं है। आज भी ऐसे मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।